नमस्कार, आज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार जुटी प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान करने में। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधे कनेक्ट रहने के दिए निर्देश। पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभाओं की समीक्षा की। उत्तराखंड राजभवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का आगाज। विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजातियों की प्रदर्शनी रही आकर्षण। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से विशेषज्ञ काश्तकार हुए शामिल। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं में रोष। लक्सर तहसीलदार को सौंपा 12 सूत्रीय मांग पत्र। गन्ना सहकारी समिति के विशेष सचिव के खिलाफ जांच की मांग। उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में जोशीमठ जैसा खतरा। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की टीम ने इस क्षेत्र का किया सर्वे। जताई आशंका, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने को बताया खतरा उत्पन्न होने की स्थिति। और केदारनाथ धाम की यात्रा में प्रशासन की नई पहल। इस बार घोड़े खच्चरों की संख्या पहले से ही की निर्धारित। पैदल चलने वाले यात्रियों को नहीं होगी कोई दिक्कत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार प्रदेशवासियों की सभी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर लगातार कवायद में जुटी हुई है। इसी के तहत प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधे कनेक्ट होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। सीएम धामी ने सीएम आवास में पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभाओं की समीक्षा की। इस दौरान सभी विधायक भी मौजूद रहे और उन्होंने विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये रूटीन बैठक है जिसके जरिए विकास कार्यों की समीक्षा होती है। चूंकि हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किए हुए हैं, तो उसी संवाद के कार्यक्रम में चूंकि माननीय विधायक गणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता का सीधे सीधे संवाद रहता है, सीधे सीधे उनकी बातें होती हैं, उन सब का फीडबैक लेकर उसके समाधान के लिए हम सब लोग बैठेंगे, आगे के रास्ते खोजेंगे, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस की कार्यप्रणाली है, सुशासन है, ठीक दिशा में आगे बढ़े। देहरादून के राजभवन में 3 दिन तक चलने वाले बसंत उत्सव की शुरुआत हो गई है। ये बसंत उत्सव 3 मार्च से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राजभवन में विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही उत्तराखंड के कई उत्पादों को भी प्रदर्शनी के तौर पर दिखाया जा रहा है। इन 3 दिनों तक राजभवन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। बसंत उत्सव में इस प्रोग्राम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से फूलों की खेती करने वाले काश्तकार शामिल हुए हैं। इस दौरान काश्तकारों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही साथ प्रदेश के टिमरू फूल को राजभवन में बसंत उत्सव के दौरान विशेष फूल का दर्जा दिया गया है, जिसे डाक विभाग अपने पोस्ट कार्ड पर स्थान देगा। यहाँ बसंत ऋतु के आगमन से ये ऋतु हम सबके प्रगति का घोतक है, उन्नति का घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है, और हर प्रकार से मैं कहूँ कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और माँ सरस्वती की सबसे ज़्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि जहाँ पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, जिस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, कि पार्टिसिपेशन है, हमारे कृषकों की पार्टिसिपेशन है। आज के इस इवेंट के अंदर में बहुत नई चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुई है। पहली बार है कि ये स्प्रिंग फेस्टिवल 3 दिन का है। देखिए, शिव जी का आशीर्वाद, 3 दिन का 3 दिवसीय इवेंट है। आज 3 तारीख है, 3रा महीना है, और अगर आप देखेंगे तो आज जो पार्टिसिपेशन है वो अपने आप से अलग ही है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मेरे को, इतना बड़ा है कि मैं घूमते घूमते ही थक गया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैंने बहुत सारे फूल देखे हैं, यहाँ किए मैंने, और अभी इंतजार है हमें। देखिए, मैं तो पहली बार ही आया हूँ आज, अगर जो भी है बहुत अच्छी सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फूल लेके आए थे यहाँ पर, ये अपना ही वो लगा रखा है हमने फूलों का, और कम से कम 15-20 तरीके के फूल, अलग अलग फूल है सारे, जैसे कि पेंजी होगी, कार्लेसन होगी, पिटोनिया हो गया, 5 स्टार होगी।
मार्च से राजभवन में वसंतोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह 3 दिन तक चलेगा, यानी 3 तारीख से शुरू होकर 4 और 5 तारीख को समाप्त होगी। वही वसंतोत्सव के अवसर पर राजभवन में सभी लोगों के लिए द्वार खुल चुका है, सभी लोग आकर के राजभवन में दीदार कर सकते हैं। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार राजभवन में करीब 350 तरीके की फूल की क्वालिटी आई है, फूल के प्रकार आए हैं, जहाँ पर लोग दीदार करें। और साथ ही साथ राजभवन के अंदर उत्तराखंड के पहाड़ी या उत्तराखंड के लोकल चीज़ों का यहाँ पर स्टॉल लगा है, जहाँ से लोग खरीद सकते हैं, जहाँ पर लोग उसका सेवन कर सकते हैं। यह बिल्कुल देशी और जैविक है। तो वही हमारे साथ मौजूद हैं जो कुछ फूलों की क्यारियों को लेकर, फूलों के गमले को लेकर आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहली बात तो आपका नाम? रामचंद्र माली। आप यहाँ पर आए हैं और फूलों को आप लेकर आए हैं, आप कहाँ से आए और कितने प्रकार के फूल यहाँ पर लगे हुए? हम रुद्रपुर उत्तराखंड से आए हैं, रुद्रपुर उधम सिंह नगर से, पत्थर चट्टा सैनिक फार्म से। और यहाँ तो 250-300 कलर के फूल लाए हुए हैं सब राजभवन में ही। अभी करीब 350 प्रकार के वैरायटी के फूल यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे सामने, हमारे पीछे भी आप, कि यहाँ पर कितने लोग, यहाँ पर करीब हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और आकर के लोग इन चीज़ का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ स्कूल से भी कई बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं जो कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर कंपटीशन किया जा रहा है, योगा को भी यहाँ रखा जा रहा है। और यहाँ पर साथ ही साथ बच्चों में कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भी बच्चे जो दिए जा रहे हैं, यहाँ पर जूडो कराटे की भी ट्रेनिंग से बच्चे आए हैं, ट्रेनर आए हैं। कल गुरमीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया और लोग यहाँ पर आकर काफ़ी आनंदित प्रसन्नचित हैं। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी, देहरादून। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में लक्सर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उप जिलाधिकारी इस समय पर न होने के कारण मांग पत्र लक्सर तहसीलदार को सौंपा गया। किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने मांग की उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों के बिजली बिल माफ किए जाए। गन्ने का समर्थन मूल्य ने बढ़ाई जाने को लेकर भी किसानों ने रोष देखने को मिला और गन्ना सरकारी समिति के विशेष सचिव के खिलाफ भी जांच की मांग की गई। जो नोटिस हमने दिया है 13 तारीख को, अगर 10 तारीख तक हमारी मांगे पूरी ना हुई तो इस तहसील में आकर तहसील की तालाबंदी होगी और अपनी मांगे मनवाएंगे। और जैसा भ्रष्टाचारी चल रही, वो तहसील प्रशासन हो, लेखपाल हो, जैसा खेत में तो मिट्टी उठावा, वो हमारा हक हो, हमारे ऐसा कोई वसूली ना की जा। पेड़ अगर काटते हैं खेत में तो उसमें भी जाकर वन विभाग के या पुलिस वाले खड़े हो जाओ और पैसे मांगने को तैयार रहे। देखिए, इनकी जो 12 सूत्रीय मांगों को देखते हैं, ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया, इसमें इनकी बहुत सारी मांगे हैं। कुछ तो पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है, कुछ शुगर मिल से संबंधित है और बाकी इनकी जो किसानों की और कतिपय समस्याएं हैं उनका भी इसमें जिक्र है। इसमें जो ज्ञापन दिया गया है, इसको जिलाधिकारी महोदय को इन्होंने उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में भी जोशीमठ जैसा खतरा। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की टीम ने इन क्षेत्रों का सर्वे कर जताई आशंका। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होना बताया जा रहा है खतरे का कारण। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अध्यक्ष सुनील कुमार ने जानकारी दी। राष्ट्रीय जल वृत्त मानचित्र और प्रबंधन पर आयोजित की गई थी कार्यशाला। प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्र को सौंपी गई। रिपोर्ट में जमीन धंसने, पहाड़ धड़कने और प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होने की आशंका जताई गई। कारणों पर तत्काल नहीं पाया गया काबू तो स्थिति हो सकती है बेकाबू। जल बोर्ड के अध्यक्ष के अनुरूप शहर में पानी मिट्टी में एकत्र होकर बना रहा है लुब्रिकेट लेयर। उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में जोशीमठ जैसा खतरा। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अल्मोड़ा में भी जोशीमठ जैसा खतरा दिखाई दे रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही है, अधिक जानकारी चाहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को भी इसमें कारण बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में
जो उत्तरकाशी जिला है वहां पर जुसमठ जैसे हालात बन सकते हैं। ये जो अध्ययन किया और जितना आशंका जताई है, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड की टीम ने इन क्षेत्रों का सर्वे किया था और ये आशंका जताई है कि जुसमठ जैसे खतरे की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ जो टीम थी उसने हिमाचल के मैकडॉलगंज में वहां पर भी सर्वे किया था। टीम ने इन तीनों ही क्षेत्रों में स्कोपिक का पानी बहाव के बजाय सीधे मिट्टी में जो संचयन होना है इसका मुख्य कारण बताया है, यानी कि पानी जो सीधा है वो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि इन शहरों में जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, इस वजह से इन शहरों पर खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। और जो ये पूरी की पूरी कार्यशाला थी चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय जल बोर्ड के जो अध्यक्ष सुनील कुमार वो उन्होंने ये जानकारी दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जिन वजहों से जोशीमठ की हालत खराब हुए हैं उनमें मुख्य रूप से ऐसे ही कारण जिम्मेदार है। और इस जोशीमठ घटना के बाद जो देश में बोर्ड ने अन्य ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जिसमें मुख्य रूप से जो हिमाचल प्रदेश का मैकलोडगंज और अल्मोड़ा और उत्तरकाशी शामिल है, और इन तीनों जगहों पर जमीन धंसने और जो भूस्खलन है इसके अलावा प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होने के आसार उन लोगों को नजर आ रहे हैं। और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट अब केंद्र को सौंपी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इन जगहों पर अगर तत्काल कारणों पर काबू पाने का प्रयास नहीं किया गया तो इन स्थानों पर स्थिति बेकाबू भी हो सकती है। क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो भूकंप की दृष्टि से भी देखी तो सिस्मिक जोन जो यानी कि अति संवेदनशील और सबसे खतरनाक जोन है वो पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में से 5 जिले हैं। और ये जिले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, और वही जो बाकी जिले हैं वो सिस्मिक फोर में आते हैं। जबकि देहरादून और जो टिहरी का हिस्सा है ये सिस्मिक जोन 5 में भी आता है और सिस्मिक जोन 4 में भी आता है। यानी कि यहाँ पर जो मानव जनित गतिविधियां हैं यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो धरातलीय गतिविधियां हैं यानी कि जो भूकंप आने के कारण है उनकी भी गतिविधियां यहाँ पर बहुत मानी जाती है। इस कारण से ये अनुमान लगाया जा रहा है और ये आशंका भी जताई जा रही है कि जो जोशीमठ की स्थिति हुई थी वो अल्मोड़ा जैसे जिले में और उत्तरकाशी जैसे जिले में भी आ सकती है। जी मानशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जाँच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पर जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितने भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा, और जो अगर वो जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुंच जाएगा, दवाइयां भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी, और जो उसे उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों को कम समय में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी जहां आपदा के समय बेहद अहम साबित होगी तो वहीं प्रदेश की कठिन भौगोलिक चुनौतियों में दवाओं टीकों को बेहद कम समय में जरूरतमंद तक पहुंचाकर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। डिप्थीरिया, टिटनस और पेंटा की 400 डोज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देहरादून से सीमांत जनपद उत्तरकाशी तक महज 40 मिनट में पहुंचाने के बाद अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों को मिली है नई उड़ान। कम समय में दवाएं पहुंचाकर बचाएंगे मरीजों की जान। प्रदेश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोविड वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ धामी सरकार जल्द ही ड्रोन तकनीक की सुविधा दुर्घटना आपदा या अन्य किसी गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार की दवाएं और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने में करेगी, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड।
राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने अब सौर ऊर्जा के सही उपयोग एवं इसे बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस महाअभियान को गति देगी नई सौर ऊर्जा नीति, उन्नति की राह आसान करेगी परियोजना में मिलने वाली सब्सिडी और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा हमारा राज्य। पहाड़ के जिन गांवों में होगा सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी का बसेरा, वहां सरकार बिजली से पैदा करेगी एक नया सवेरा। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा चुने गए 1000 गांव में धामी सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष रियायत देकर सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ती धामी सरकार का कामयाब विजन है नई ऊर्जा नीति, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए पहाड़ के 1000 गांव की तकदीर संवारना। 3 चरणों में बटी इस सौर ऊर्जा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें चयनित सोलर ग्राम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायत देगी। इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा और उन गांवों में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की नींव मजबूत की जा सके। सौर ऊर्जा नीति से बदलेगी तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों की संवरेगी तकदीर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्वोत्तर राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में भाजपा के पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार, नागालैंड में भाजपा गठबंधन की सरकार और मेघालय में भाजपा को बढ़त मिलने पर डोईवाला चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर और ढोल धमाकों के साथ आतिशबाजी भी की। जिला महामंत्री राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र की जीत हुई है। देश में तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ऋषिकेश जिले की ओर से आज मिष्ठान वितरण और पटाखे फोड़कर हर्ष मनाया गया। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसी आशा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो है बहुत बड़ी जीत है और नॉर्थ ईस्ट की जनता ने, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जनता ने एक संदेश दिया कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व एक टांग पर खड़ा है और सब कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ चलने को तैयार है। ये बहुत बड़ी जीत है। कार्यकर्ताओं में, देश की जनता में भारी उत्साह है और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग मिसाल कायम करेंगे। होली के पर्व को लेकर डोईवाला पुलिस ने आपसी सौहार्द बनाते हुए होली का त्यौहार मनाने की अपील क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पीस कमेटी के लोगों से की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रंगों के पवित्र त्यौहार को मनाएं। साथ ही साथ कहा कि अगर कोई हुड़दंग करके माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से आज थाना परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग थे। इनको आम जनता को पुलिस के द्वारा इनके माध्यम से मैसेज दिया गया है कि शांतिपूर्वक त्यौहार को संपन्न करें और अगर कोई किसी प्रकार का हुदरंग करता है या कोई अवांछनीय गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा
जैसा कि देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन साइबर ठगी के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले हर बार नए रूप में सामने आ रहे हैं। कभी वो OLX के फ्रॉड के रूप में है तो कभी किसी अन्य माध्यम से कोई ऐप डाउनलोड करा करके ठगी की जा रही है। इस संबंध में लोगों को जागरूक किया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को के कहे में आकर के न तो उससे कोई चीज़ अपनी शेयर करें और न ही कोई ऐप को डाउनलोड करें। होली का त्यौहार नजदीक आते ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और होली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। शुक्रवार को कोतवाली जोशीमठ में विभिन्न धर्मों के लोग, व्यापारियों और टैक्सी संचालकों के साथ पुलिस प्रशासन ने होली के त्यौहार को देखते हुए बैठक की और होली के इस त्यौहार को ठीक ढंग से मनाने के लिए लोगों से पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की गई। कोतवाली जोशीमठ प्रभारी निरीक्षक कैलाश भट्ट ने बताया कि होली के दिन चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे जिससे कि लोगों की होली के दिन कोई समस्या ना हो। होली पर्व सब्बे रात को लेकर के आज पीस कमेटी की मीटिंग थी जिसमें सभी धर्मों के लोग यहां पे आए थे और हम ये चाहते हैं पुलिस बल कि सकुशल होली व सब्बे रात का प्रोग्राम अच्छी तरह से सकुशल संपन्न हो तथा आज मीटिंग में लोगों ने अपने अपने इश्यूज रखे। होलिका दहन जो कि 7 तारीख को रात को है उसमें लगभग 8 बजे होलिका दहन यहाँ शुरू हो जाएगा तथा उसी दिन सब्बे रात भी है और सब्बे रात के जो बता रहे हैं अभी मुस्लिम भाई लोग वो ये कह रहे थे कि जो यहाँ नगर पालिका का छत था मीट बाज़ार के ऊपर उसमें पहले ये प्रोग्राम करते थे लेकिन इस बार वहाँ दुकानें बन गई हैं तो अब प्रशासन से SDM महोदय से बात करके इनके लिए नया स्थान चिन्हित करवा करके इनका भी त्यौहार। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग देगी उत्तराखंड सरकार। 150 शिक्षकों द्वारा 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 13 जनपदों में बनाए जाएंगे 500 वर्चुअल क्लासरूम। 709 विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लास। हर जिले में खुलेंगे बालिका आवासीय विद्यालय। शिक्षा के लिए नहीं होगा पहाड़ से पलायन। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। आज हमारे उत्तराखंड राज्य में ये संभव हो रहा है सरकार की स्मार्ट सोच और शानदार एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। दुर्गम गांव के स्कूल हो या मैदानी जिलों के विद्यालय, धामी सरकार में प्रदेश के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में शानदार योजनाओं के साथ मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के जरिए किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूली शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग,
जूते, लेखन सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करेगी। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव और आधुनिक सुधारीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का लक्ष्य है देश और विश्व की रैंकिंग में उत्तराखंड के कॉलेजों को टॉप रैंकिंग में शामिल करवाना। प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का माहौल देकर राज्य सरकार आज पहाड़ों के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना रही है। उन्नति का एक ही आधार शिक्षा में हो समग्र सुधार। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जाँच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल जा रहे हैं या फिर जितने भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा, और जो अगर जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुंच जाएगा, दवाइयां भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी, और जो उसे उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों को कम समय में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी जहां आपदा के समय बेहद अहम साबित होगी, तो वहीं प्रदेश की कठिन भौगोलिक चुनौतियों में दवाओं टीकों को बेहद कम समय में जरूरतमंद तक पहुंचाकर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। डिप्थीरिया, टिटनस और पेंटा की 400 डोज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देहरादून से सीमांत जनपद उत्तरकाशी तक महज 40 मिनट में पहुंचाने के बाद अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों को मिली है नई उड़ान। कम समय में दवाएं पहुंचाकर बचाएंगे मरीजों की जान। प्रदेश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोविड वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ धामी सरकार जल्द ही ड्रोन तकनीक की सुविधा दुर्घटना आपदा या अन्य किसी गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार की दवाएं और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने में करेगी, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड।